बच्चों नमन संस्कृत है। हम लोग पढ़ रहे थे जगदीश चंद्र बसु जी को। थोड़ा सा बचा हुआ था, अभी तो ज्यादा है। देखिए यहीं से पढ़ना है तीसरे पैरा से कि पादपाह संवेदनशीला है, पादपाह संवेदनशीला है। मतलब क्या, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि वृक्ष जो है वो संवेदनशील होते। संवेदनशील का मतलब इनमें संवेदना होती है, इनमें प्राण होता है। अब आप कहेंगे कैसे गुरुजी? इनका मानना ये था कि जैसे मनुष्य के पैर में कांटा धस जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है, या उसका गला काट दिया जाता है वो मर जाता है, वैसे वृक्षों में भी प्राण होते हैं, उसका भी गला काट दिया जाता है तो वो क्या होता है, मर जाता है। तो बसु जी भी मानते हैं कि पादपाह संवेदनशीला भवन्ति, माने वृक्ष जो है वो संवेदनशील होते हैं। इति यस्य सिद्धांत तस्य, ऐसा इनके सिद्धांत के अनुसंधान करता माने खोज करता भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक, माने भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु महाभागा। जगदीश चंद्र बसु जी इंग्लैंड देशम अगच्छन, माने यह प्रूव करने के लिए वो कहाँ गए, इंग्लैंड चले गए कि वृक्षों में क्या होते हैं, प्राण होते हैं। तत्र वैज्ञानिक सभा मध्ये करें, वहां पर वैज्ञानिकों की सभा के बीच में, वहां अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे, करें उन वैज्ञानिकों की जब सभा के बीच में सम उपस्थित सदस्य नाम, माने जितने सदस्य उपस्थित थे सबके समक्ष, माने समक्ष पूर्वम एव आनीतम, माने पूर्व में ही लाया गया पोटेशियम साइनाइड नामकम रसायनम, माने पोटेशियम साइनाइड नामक रसायन है सूचिकया पादपे बारम बारम प्रवेश, माने सुई के द्वारा वृक्ष के अंदर बार बार प्रवेश कराया जाता है। मतलब कि एक साइनाइड, कौन सी, पोटेशियम साइनाइड नाम का कोई रसायन था, केमिकल था, उसको सुई के माध्यम से बारम बारम प्रवेश पादपे, माने वृक्ष के अंदर बार बार प्रवेश किया जाता था। और क्या होता था, परंतु क्योंकि किमक प्रभाव अदृष्ट्वा सह करें, किंतु किमक माने कुछ भी प्रभाव, अदृष्ट्वा सह माने नहीं दिखाई दिया, सह तत् रसायनम स्व शरीरे प्रवृत्तवान, और वह वही रसायन अपने शरीर में भी प्रयुक्त किए, अपने शरीर में लगाए, और अत्रापि ना किमत प्रभावम अभवत, माने आज भी उसका कोई प्रभाव हमारे भी शरीर में नहीं। तदा तस्य रसायनस्य परीक्षणम अकारयत, तब उन्होंने उस रसायन का परीक्षण अकारयत, लंग लकार भूतकाल का है, माने किया। तत अशुद्धम नकली रसायनम आसीत, तो कह रहे हैं कि वह अशुद्ध और नकली रसायन, इसलिए उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इति ज्ञात्वा, ऐसा जान करके शुद्धम रसायनम आनीय, माने शुद्ध रसायन ले आए, और सह पादपस्य ऊपर प्रयुक्तवान, उन्होंने वृक्ष के ऊपर क्या किया, प्रयोग किया उसका, और शुद्ध पोटेशियम साइनाइड विषाक्तम रसायनस्य प्रभावेण तत्क्षणेन क्षणमेव पादप अम्लान जातः, करें शुद्ध जब पोटेशियम साइनाइड जो विषाक्त माने अत्यंत विष से युक्त रसायन के प्रभाव से तत्क्षणमेव पादप अम्लानम जातः, माने उसी क्षण वृक्ष जो है वो क्या हो गए, धीरे धीरे मुरझाने लगे। या तो ही क्योंकि पादपे अपि जीवनम अस्ति, क्योंकि वृक्ष के अंदर भी जीवन होते हैं। ईदृशं वैज्ञानिकानां समक्षे सिद्धम अकरोत्, ईदृशं माने इस प्रकार वैज्ञानिकों के समक्ष सामने, सिद्धम अकरोत् माने इन्होंने सिद्ध किया, यत माने की, क्या सिद्ध किया,
कि पादपाः अपि संवेदनशीलाः भवन्ति, के वृक्ष भी संवेदनशील होते हैं। स्वशोध कार्य माध्यमेन, अपने शोध कार्य के माध्यम से सिद्धम अक्रोध माने इन्होंने सिद्ध किया कि सजीवे निर्जीवे च समानता अस्ति। इन्होंने सिद्ध किया कि सजीव और निर्जीव दोनों में क्या होती है, समानता होती है। यथा सजीवा सर्वा क्रिया कुर्वन्ति, जिस प्रकार सजीव जो है वो सभी क्रियाएं करते हैं, तथा एव पादपाः अपि, उसी प्रकार वृक्ष भी करते हैं। पादपेषु अपि संवेदनशीलाः भवन्ति, माने पाद वृक्षों में भी संवेदनशीलता होती है। ते अपि श्वसन क्रियां कुर्वन्ति, अब कह रहे हैं कि वे श्वसन क्रिया भी करते हैं, माने सांस भी लेते हैं। डेस्मोडियम नामक पादपस्य ऊपर शोधम कृत्वा, इन्होंने डेस्मोडियम नामक एक वृक्ष है उसके ऊपर शोध करके सह अस्य सिद्धांतस्य प्रतिपादनम अकरोत्, उन्होंने इस सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। यत माने क्योंकि, यथा मानव हृदय स्पंदनम भवति, जिस प्रकार मानव हृदय में स्पंदन होता है, गति होती है, तथैव पादपेषु अपि, उसी प्रकार वृक्षों में भी होती है। लिखा है 1917 तमे वर्षे कोलकाता नगरे, 1917 ईस्वी में कोलकाता नगर में सह एकस्य शोध केंद्र से स्थापना मकरो, वह एक शोध केंद्र का की स्थापना किए। तस्य केंद्रस्य नाम तेनैव नामना करें, उस केंद्र का नाम तेनैव नामना माने उस ही नाम, उन्हीं के नाम से ही बोस संस्थान इति निर्धारितम अभवत्, बोस संस्थान के नाम से निर्धारित किया गया उस शोध संस्थान का। सह एक कुशल शिक्षक है, वह एक कुशल शिक्षक भी थे, महान वैज्ञानिक आसीत, और महान वैज्ञानिक भी थे। कला संगीत विशेष अपि, कला और संगीत विषयों में भी एतस्य महाभागस्य महती रुचि आसीत, इस महाभाग के, इस महानुभाव की महान रुचि थी। बच्चों ये लेसन यही समाप्त होता है, इसमें कुछ प्रश्न वगैरह जो होंगे हम आपको पीडीएफ के रूप में अभी आज उपलब्ध कराएंगे, और कुछ प्रश्न आप भी अपने मन से करिए, क्योंकि अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। इसको आप ध्यान दीजिए कि प्रश्नों को, सारे प्रश्न हम पीडीएफ में दे सकें ये मेरे लिए असंभव है, और अगर मैं आपको पूर्ण बैसाखी दे दूंगा तो आप हमेशा लंगड़े बने रहेंगे। आप भी कुछ करिए, कुछ सोचिए, कोशिश करिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और साथ साथ बच्चों ये भी बताना चाहेंगे कि कल से 9, 10, 11, 12 पर मतलब मंगलवार सोमवार से स्कूल खुलेगा, तो ऐसी स्थिति में अभी आपके क्लासेस बंद रहेंगे लेकिन आपको प्रतिदिन वीडियो मिलेंगे, तो ऐसी स्थितियों में जब वीडियो से ही अभी आपको पढ़ना है थोड़े दिनों, उसके बाद आपको लाइव क्लास में पढ़ाई करनी है। और ये इस चैप्टर में थोड़ा सा हिस्सा बचा था, अब नया चैप्टर इस वीडियो में नहीं शुरू होगा, अगला चैप्टर पंचदश पाठ है गणतंत्र दिवस, ये आपका अगले लेसन में पढ़ाऊंगा। एक चीज कहना है कि मैंने जूनियर क्लास के लिए ग्रामर पढ़ाया, जब स्कूल खुलेगा तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि क्यों नहीं पढ़े, इस नाते सभी लोग उसको पूर्व से लेकर के जब जब पोस्ट हुआ है आप उसको क्रम से पढ़ डालिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो आप बताएंगे, अब अगर हवा में रहेंगे तो पूछने पर नहीं बताएंगे, तो हमको आप जानते हैं कि जितने एक एक अक्षर पढ़ाता हूँ उतने गड़बड़ भी हो जाएगा, तो हमारे आपके बीच में लड़ाई पक्की होनी, इसलिए आप सभी लोग अनिवार्य रूप से पढ़ाई करिए। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, नमः संस्कृताय।